पिछले एक साल से आईटी इंडस्ट्री में जॉब मार्केट की बैंड बजी हुई है। स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को लेकर के परेशान है एंड एवरीवन वांट्स टू नो कि ये सिचुएशन कब ठीक होगी। इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिलने वाले हैं। ये वीडियो चार चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर वन में हम एक केस स्टडी के साथ आईआईटी टीयर टू कॉलेज टीयर थ्री कॉलेज के प्लेसमेंट डेटा को समझेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस साल प्लेसमेंट्स कैसी रहने वाली हैं। चैप्टर टू में वी विल लुक एट द डेटा ऑफ लेऑफ्स और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सिनेरियो कैसे इम्प्रूव हो रहा है। चैप्टर थ्री में हम ये सारे इवेंट्स के रीजंस को समझेंगे और चैप्टर फोर में वी विल कम टू अ कंक्लूजन एंड विल डिस्कस द पॉसिबल सॉल्यूशंस इन दिस सिनेरियो। The year 2023 was the year of mass layoffs. Cisco Systems is set to announce another significant round of layoffs, potentially affecting. अब आप लोगों ने IIT एंड BITS के प्लेसमेंट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अब एक्चुअल डेटा पर नजर डालते हैं। 2022-23 प्लेसमेंट ड्राइव जो कि 23 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए हो रही थी, 17,900 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, जिसमें से 14,490 गॉट प्लेस्ड, रिमेनिंग 3,410 कुड नॉट गेट अ जॉब, विच मीन्स 19% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 2023-24 प्लेसमेंट ड्राइव जो कि 24 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए हो रही थी, 21,500 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड अक्रॉस ऑल द IITs, जिसमें से ओनली 13,410 कुड गेट द ऑफर, 8,090 स्टूडेंट्स वर अनप्लेस्ड, विच मीन्स 38% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये नंबर पिछले साल से डबल है। अब 24-25 प्लेसमेंट ड्राइव जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बहुत सारे IITs में जस्ट कंपनीज विजिट होना शुरू हुई है एंड प्लेसमेंट्स अभी तक नहीं लगी है, सो वी डोंट हैव द एक्यूरेट डेटा हियर, बट वी आर गोइंग टू डू अ केस स्टडी ऑफ अ कॉलेज जिसमें प्लेसमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। BITS ने भी सेम स्ट्रगल फेस किया अपने 2024 बैच के टाइम पे। उन्होंने तो एक नोटिस भी रिलीज कर दिया था अपने एलुमनाई नेटवर्क से हेल्प मांगते हुए, जहां पर देवर आस्किंग कर एलुमनाई नेटवर्क टू गिव रेफरेंस, जिसके चलते देवर एबल टू सिक्योर 71% प्लेसमेंट। दिस इज द पावर ऑफ एलुमनाई नेटवर्क। अब टीयर 3 कॉलेजेस में एलुमनाई नेटवर्क भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और प्लेसमेंट्स पहले से ही इतने अच्छे नहीं थे। इन 2023-24 प्लेसमेंट ड्राइव जो कि 24 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए हो रही थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई टीयर 3 कॉलेजेस में। जो मास रिक्रूटर्स पहले आते थे वो भी कॉलेज अब विजिट नहीं कर रहे थे। बहुत सारे कॉलेजेस ने तो अपने हाथ भी खड़े कर दिए कि आप लोग जाकर के ऑफ कैंपस ट्राई करो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अनप्लेस रह गए। अब यार सवाल ये आता है कि चीज़ें बस नेगेटिव ही होती जा रही है या फिर कुछ पॉजिटिव भी होता हुआ दिख रहा है। इसका आंसर करने के लिए हमने एक कॉलेज की केस स्टडी करी, जिसके रिजल्ट जान करके आप लोग काफ़ी खुश होने वाले हैं। सो इस कॉलेज का हम लोग नाम नहीं ले सकते, यहाँ पर प्लेसमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, सो लेट अस कॉल दिस कॉलेज SJN, सबकी जॉब लगेगी। तो बात करते हैं 2021-22 प्लेसमेंट सीजन की। बहुत ही अच्छा सीजन था, मोर देन 300 कंपनीज विजिटेड SJL एंड ऑफर्ड मोर देन 2500 ऑफर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मल्टीपल ऑफर्स भी थे, तो स्टूडेंट्स काफी खुश थे। 90-95% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके थे। 2022-23 प्लेसमेंट ड्राइव जो कि 23 ग्रेजुएट्स के लिए हो रही थी, वो और भी अच्छी थी बिकॉज ऑफ कोविड ओवर हायरिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को लगभग सेम ऑफर्स थे, बट CTC काफी ज्यादा मिला। 23-24 प्लेसमेंट सीजन जहाँ पर चीजें खराब होना शुरू हुई, SJL विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन नंबर ऑफ रिक्रूटर्स एंड नंबर ऑफ ऑफर्स। बहुत सारी कंपनीज ऑफर दे करके रिवोक कर रही थी, बहुत कम कंपनीज कैंपस विजिट कर रही थी, और जहाँ कुछ ही महीनों में 70-80% प्लेसमेंट हो जाती थी, पूरे सीजन में सिर्फ 60% प्लेसमेंट हुई, 40% स्टूडेंट्स रिमेन्ड अनप्लेस। बहुत ही गंदा सीजन था ये। नाउ टॉकिंग अबाउट द करंट सीजन विच इज 24-25 प्लेसमेंट सीजन, 25 ग्रेजुएट्स के लिए जो हो रहा है, कंपनीज ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गई हैं एंड हमने यहाँ पर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से बात करी। वी वॉन्ट टू नो दैट द डेटा इज एक्चुअली वेरी गुड। लास्ट ईयर की कंपेरिजन में इस साल बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, बहुत इंप्रूवमेंट आया है इन द नंबर ऑफ रिक्रूटर्स एंड इन द नंबर ऑफ ऑफर्स एज वेल। अब ऑफर्स रिवोक भी नहीं किए जा रहे हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। कंपनीज अब ज्यादातर 6 months इंटर्न ऑफर कर रही हैं, जिसके बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी आपको फुल टाइम ऑफर किया जाएगा। सो कंपनीज आर बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल, दे डोंट वांट टू हायर रॉन्ग पीपल सो दैट दे डोंट हैव टू फायर देम। तो कंपनीज थोड़ा सा केयरफुल तो है इस साल, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्लेसमेंट्स के लिए काफी सारी कंपनीज आ रही हैं। बहुत सारी कंपनीज को फंडिंग भी मिलना स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से देयर इज अ इंप्रूवमेंट इन द नंबर ऑफ हायरिंग्स। अब ये चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैंने दो रिक्रूटर्स से भी बात करी एंड आई आस्क्ड देम कि हाउ इज द प्लेसमेंट सिनेरियो अकॉर्डिंग टू यू, एंड दिस इज व्हाट आई गॉट टू नो। द फर्स्ट रिक्रूटर रिप्लाइड, टेक इज गोइंग क्रेजी, आई एम अंडर मैसिव प्रेशर विच टेल्स यू द नंबर्स आर हाई, इंडिया इज द प्लेस टू बी इन टेक, ग्रेट टेक टैलेंट एंड लो कॉस्ट रिसोर्सेज, इट्स अ परफेक्ट गेम। बट हैविंग सेड दैट, कंपनीज आर बीइंग वेरी कॉस्ट कॉन्शियस, लेजर शार्प फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी विच इजंट यूजुअली अ वेरी गुड साइन, बट दे विल श्योरली हायर एट अ ग्रेट स्केल। अनदर रिक्रूटर सेड दैट, आई गेस इट्स डिसेंट मार्केट एवरीवेयर, देयर इज हायरिंग गोइंग ऑन, व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम माय नेटवर्क। तो यार हायरिंग सिनेरियो तो इंप्रूव हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट लेऑफ्स, क्या लेऑफ्स भी कम हो रहे हैं? सो लेट अस लुक एट द डेटा। अब ये जो डेटा हम लोग देखने वाले हैं ना, ये ग्लोबल लेवल का डेटा है, तो एकदम से नंबर देख के डरना मत।
2022 में लगभग 1,65,000 लोगों ने लेऑफ्स की वजह से अपनी जॉब खो दी। 2023 में ये नंबर बढ़ करके 2,63,000 हो गया। मेटा, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने टोटल 70,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। सेल्सफोर्स, सिस्को, ट्विटर, फिलिप्स, एचपी, आईबीएम, पेपैल, गोल्डमैन सैक, मॉर्गन स्टैनली सबने फायरिंग शुरू कर दी बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह। स्टार्टअप्स एंड सर्विसेज कंपनी भी इसमें शामिल थी। विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट में भी खूब फायरिंग हुई। इस साल 2024 में अगस्त तक 1,24,000 पीपल फायर हो चुके हैं एंड बहुत सारी फायरिंग आउटसाइड इंडिया हो रही है। इंडिया में फायरिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन इस बार फायरिंग का रीजन AI भी है। इंटेल इज प्लानिंग टू ले ऑफ 15% ऑफ देयर वर्कफोर्स, विच इज 15,000 जॉब्स। डेल ने रिसेंटली 12,500 लोगों को फायर किया ड्यू टू देयर शिफ्ट इन AI ऑटोमेशन। अब बहुत सारे लोग ना ये न्यूज़ सुनकर के डर जाएंगे कि यार ये AI हमारी जॉब खाने वाला है, जो कि एक डिबेटेबल टॉपिक था। इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। इसका जो एक्चुअल रीजन है कि AI कौन सी जॉब्स प्रोफाइल को इम्पैक्ट कर रहा है, वो हम लोग अपने रीजनिंग वाले चैप्टर में देखेंगे, विच इज द नेक्स्ट चैप्टर। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। चलिए, अब हम लोगों ने जान लिया कि लेऑफ्स की सिचुएशन कैसी है। धीरे धीरे करके लेऑफ्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। इस बार काफ़ी कम लेऑफ्स हुए हैं, बट इट इज़ येट नॉट स्टॉपिंग। तो धीरे धीरे करके ये सिचुएशन ठीक होगी, लेकिन पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं हुई है। नाउ लेट अस लुक एट द रीजंस कि ये सब क्यों हो रहा है। अगर हमने कॉलेज ज्वाइन किया था ये सोच करके कि यार एक तगड़ी सी प्लेसमेंट निकालेंगे, उस टाइम पर तो सब कुछ अच्छा ही लगता था, सबको अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते थे, लेकिन अचानक से ये क्या हुआ? सो द रीजन नंबर वन वॉज ओवर हायरिंग ड्यूरिंग पैंडमिक। अब COVID-19 में ना सब लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे थे, आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, हम लोग मीटिंग्स ऑनलाइन कर रहे थे, सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे थे। इसकी वजह से टेक में बहुत तगड़ा बूम आया, जहां पर कंपनीज ने दबा दबा के हायरिंग करी, बहुत सारे एम्प्लॉयज को भर लिया, थिंकिंग कि फ्यूचर में ये सब काम आएंगे। बट जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, सारे लोग वापस से ऑफलाइन जाने लगे, वो जो मार्केट था वो सस्टेन नहीं रह पाया। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा ओवर हायरिंग हो चुकी थी, सो दैट इज व्हाई कंपनीज स्टार्टेड लेइंग ऑफ, उन्होंने एम्प्लॉयज को फायर करना स्टार्ट कर दिया। आई होप यू आर एंजॉयिंग द पॉडकास्ट सो फार। आगे चल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, बट बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू अबाउट Cryo.do। Cryo इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर एस्पायरिंग डेवलपर्स। हाउ इज इट डिफरेंट? सो Cryo फॉलोज लर्न बाय डूइंग अप्रोच दैट हेल्प्स यू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स विद प्रोजेक्ट बेस्ड करिकुलम फोकस्ड ऑन रियल लाइफ टेक सिनेरियोस। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट Cryo's फेलोशिप प्रोग्राम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। Cryo प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन वर्क लाइक प्रोजेक्ट्स टू मास्टर CS फंडामेंटल्स एंड फुल स्टैक or backend skills in actual developer environment. You will learn to build a high-scale distributed web backend for food ordering apps like Zomato, an OTT platform, and seamless video streaming service like Netflix, a functional and scalable e-commerce app like a full-stack developer at Amazon. You will get the opportunity to pick your specialization in either backend or full-stack development. Cryo offers guaranteed job searches by providing you job search support, referrals, and career guidance from experienced career coaches. Mentors at Cryo are seasoned professionals working at leading companies like Google, Amazon, PayPal, Walmart, Microsoft, and more. Cryo offers exclusive career assistance and helps you build a verified GitHub portfolio. Cryo has transformed 1,300 plus careers already, and a lot of students have been placed in companies like Walmart, Microsoft, Cred, Amazon. Cryo is also trusted and recognized by National Skill Development Corporation, NSDC. Which is an entity of Government of India. Kickstart your upskilling journey by booking a free trial at Cryo. The link is there in the description. Go check it out now. Now let's move ahead. Second reason is profitability goal. बहुत सारी companies के ऊपर investors का pressure होता है that you have to be profitable. अब यार पहले इसमें क्या करती थी companies की, वो different methods से अपना cost cut करती थी. लेकिन due to pandemic जब बहुत सारी बड़ी-बड़ी companies ने firing start करी, so other companies also got a shelter. कि यार जब सब फायर कर रहे हैं तो हम भी कॉस्ट कटिंग के नाम पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। दिस ऑल्सो लेड टू मास फायरिंग्स। थर्ड रीजन इज इकोनॉमिक स्लो डाउन। ग्लोबली कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से काफी सारी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ जाने लगी, जिसकी वजह से कंपनीज बिकेम एक्स्ट्रा कॉशियस। दे स्टार्टेड टेकिंग कॉस्ट कटिंग मेजर्स, जिसका रिजल्ट फायरिंग में हुआ। नेक्स्ट इज AI एंड ऑटोमेशन। यार अब तक एक डिबेटेबल टॉपिक था कि AI जॉब्स खाने वाला है या नहीं खाने वाला है, बट नाउ डेटा हैज प्रूव दैट AI इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ जॉब्स। बट क्या AI इंजीनियर्स को रिप्लेस करने वाला है? द आंसर इज स्टिल नो। डेल जैसी कंपनीज के बारे में जब हम लोग सुनते हैं तो हमें लगता है कि इंजीनियर्स ही फायर हुए होंगे, लेकिन एक कंपनी में ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप लोगों को ये समझना होगा कि फायरिंग किस डिपार्टमेंट से हुई है। सिर्फ डेल के नाम से आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि इंजीनियर्स फायर हो रहे हैं। तो अभी जो सिनेरियो है वो तो ये है कि इंजीनियर्स AI की वजह से बहुत ज़्यादा फायर नहीं हो रहे हैं, हालांकि जो छोटी मोटी प्रोफाइल्स होती है ना, जो कि सिर्फ सपोर्ट वाली प्रोफाइल्स हैं,
उसमें अभी भी थोड़ा बहुत खतरा है कि यार ठीक है एक सर्टेन टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है जहां पर कम एम्प्लॉयज की जरूरत पड़े, बट एक एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को AI अभी तो रिप्लेस नहीं करने वाला है फॉर अ सर्टेन टाइम। अब यार इस चीज का भी रीजन जान लेते हैं कि फायरिंग आउटसाइड इंडिया ज्यादा क्यों हो रही है और इंडिया में कम क्यों हो रही है। हालांकि ये चीज आपके लिए तो बहुत अच्छी है। सो बेसिकली कंपनीज आर अडॉप्टिंग कॉस्ट कटिंग मेथड्स, एंड आपको पता ही है कि US में एंड यूरोप में जो सैलरीज हैं वो इंडिया से कई ज्यादा हैं। सो वहां के एम्प्लॉयज फायर हो रहे हैं एंड द सेम प्रोफाइल सेम रोल्स आर गेटिंग फिल्ड विद पीपल फ्रॉम इंडिया, एंड दिस इज द एक्चुअल डेटा। मैंने काफी सारे रिक्रूटर से बात करी है एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू नो कि इंडिया में जो हायरिंग हो रही है दैट इज एक्चुअली टू फिल द पोजीशंस ऑफ द पीपल दोज वर फायर्ड इन कंट्रीज लाइक US एंड यूरोप। इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू, बट बेचारे लोग जो वहाँ पर फायर हुए उनके लिए बुरी बात है। सो ठीक है, अब हम लोग कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो दिस इज प्रॉफिटेबल फॉर देम। अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन की एंड सॉल्यूशन की। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि 2024-25 प्लेसमेंट ड्राइव जो कि करंटली चल रही है ये अच्छी होने वाली है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। कंपनीज आएंगी, हायर करेंगी, दे विल हायर ऑन कैंपस ऑल्सो एंड ऑफ कैंपस एज वेल, तो आप लोगों को अभी रेडी रहना है। दूसरी प्रैक्टिकल चीज ये है कि पिछले एक दो साल में ना बहुत सारे लोगों की जॉब नहीं लगी है, दे आर स्टिल इन द मार्केट, बहुत सारे लोग फायर भी हुए हैं, दे विल बी कम्पीटिंग विथ यू फॉर द सेम रोल फॉर द सेम प्रोफाइल फॉर द सेम पैकेज, तो कंपटीशन थोड़ा बहुत ज्यादा है, इसीलिए कंडीशंस 100% सही नहीं हुई है, धीरे धीरे करके रिकवर हो रही है। अब इन सिचुएशंस में सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? सो द फर्स्ट थिंग इज कि वी कैन ओनली वर्क अपॉन द थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी कांट इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स इन द मार्केट, वी कांट चेंज द फैक्ट दैट कि बहुत सारे लोग आपके साथ कम्पीट करेंगे, बट वॉट वी नो इज कि कंपनीज वॉन्ट बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, कंपनीज को बेस्ट एम्प्लॉयज चाहिए। अब यार बहुत सारे लोग ना बस अपनी प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, दे डोंट इवन गो एंड अप्लाई टू डिफरेंट पोर्टल्स, या तो बहुत ज्यादा लेजी होते हैं या फिर इतनी अवेयरनेस नहीं होती, और काफी सारे लोग बस अप्लाई करते रहते हैं एंड उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है। सो अभी टाइम ऐसा है जहां पर आपको एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत है, अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू बी अपडेटेड, यू हैव टू एग्रेसिवली अप्लाई। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जब होगा तभी आपके जॉब लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर आप लोग डेटा देखें ना तो बहुत सारी कंपनीज में ओपनिंग्स फिर भी रह जाती हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर स्किल्ड दे डोंट अप्लाई, एंड अ लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर नॉट स्किल्ड दे अप्लाई एंड दे आर नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज, इसीलिए ओपनिंग्स खुली रह जाती हैं। सो देयर इज स्टिल अ गैप, एंड ये गैप भरा जा सकता है जिससे आपके जॉब लगने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज यार ये है कि यू हैव टू कीप अ चेक ऑन योर मेंटल हेल्थ। मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के इतने घबराए हुए मैसेजेस आते हैं कि यार भैया मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी है, क्या होगा। आई नो दैट वी हैव द प्रेशर ऑफ गेटिंग जॉब राइट आउट ऑफ द कॉलेज, मेरे ऊपर भी वो प्रेशर था एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट यार अभी सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है कि जहां पर ओपनिंग्स कम है, ऑल यू कैन डू इज यू कैन ट्राई योर बेस्ट, यू कैन प्रिपेयर वेल, ठीक है, एंड थोड़ा पेशेंस के साथ आप लोग अपना जो भी प्रिपरेशन है राइट डायरेक्शन में करते रहो। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है इन सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप घबराओगे तो काम और ज्यादा खराब हो जाएगा। अगर आपका माइंड ठीक है ना तो यू कैन लर्न एंड यू कैन गेट द जॉब, जॉब लग जाएगी यार, आज नहीं तो कल डेफिनेटली लग जाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, अपना जो सर्कल है ना उसको थोड़ा अच्छा बनाओ, अपने आसपास थोड़े ऐसे लोग रखो जो आपको मोटिवेट करें, डीमोटिवेट नहीं। बाकी यार मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ एक लाइव वीडियो कॉल करूंगा, सो आई विल फ्रीक्वेंटली डू दीज कॉल्स, जिसको जो भी डाउट्स पूछना हो जो भी डिस्कशन करना हो मेरे से फेस टू फेस कर लेना। आई विल प्रोवाइड द लिंक टू माई टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं पर आप लोगों को वो लिंक मिल जाएगा, मीट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चीज है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। अब मेरा भी गोल यार ये था जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था कि मेरे को स्ट्रेट गूगल में जाना है, स्ट्रेट मेरे को एक बहुत ही तगड़ा पैकेज क्रैक करना है। ऐसे बहुत सारे लोगों का गोल होता है कि माइक्रोसॉफ्ट गूगल ज्वाइन करनी है या फिर एक 40 LPA की रिमोट जॉब लेनी है। फिलहाल ये अपॉर्चुनिटीज मार्केट में थोड़ी सी कम है, सो फॉलो अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट अपने चैनल पे कवर किए हुए हैं जिसमें लोगों ने पहले TCS क्रैक किया, देन दे ट्रांजिशन इनटू अनदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, देन दे ट्रांजिशन इनटू गूगल। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट आपको मेरे चैनल पे देखने के मिल जाएंगे। इनफैक्ट लास्ट जो मैंने पॉडकास्ट अपलोड करी है ना, इट्स अ वेरी डिटेल्ड स्टोरी फ्रॉम TCS टू माइक्रोसॉफ्ट। आप लोग जा करके ऐसे पॉडकास्ट देखो, इट इज एक्चुअल ट्रूथ कि लोग ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग एक सर्विस बेस्ड कंपनी अभी ज्वाइन कर लेंगे तो आगे जाकर के आपको दिक्कत होगी। इफ यू हैव दैट विल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग इनफ, तो आगे चल करके भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वॉट एवर अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग राइट नाउ, ग्रैब इट। तो सही डायरेक्शन में आप लोग काम करते रहो, मेहनत करते रहो। बाकी यार अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोज। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।